हेलो सर, आज क्या सीखने वाले हैं हम लोग? विंडो एसी। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं आज विंडो एसी। और वीडियो में जो वीडियो को देख रहे हैं लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको विंडो एसी समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। तो सबसे पहले देखिए, विंडो एसी के ऊपर ये पूरा चारों तरफ कैबिनेट लगा होता है। क्या लगा होता है? कैबिनेट मतलब होता है बॉडी, ऊपर हिस्सा। ठीक है, कैबिनेट जिसको पूरा एसी को क्या करते हैं, हम अच्छी तरह से हम ढक देते हैं। ठीक है, ताकि ये सब हमें दिखाई ना देता। अब इस एसी को हम पूरे तरीके से खोल दिए। ठीक है, अब खोलने की जरूरत, पार्ट्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए सबसे पहले इसमें क्या क्या लगा होता है, दो हिस्सा होता है इसमें, दोनों हिस्सों में अलग अलग चीजें लगी होती हैं। ठीक है, दो हिस्सा मतलब एक हिस्सा देखिए, ये ब्रैकेटिंग दिख रहा है, ये लोहे का दीवार दिख रहा है जी सर। तो एक हिस्सा ये और दूसरा हिस्सा ये भारत। ठीक है, जैसे बोलेंगे ये पाकिस्तान, ये भारत हो गया सर। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत में, यानी जो भारत क्या है, यानी इंडोर उसको मान लेंगे, पाकिस्तान आउटडोर, यानी भारत पाकिस्तान दोनों अलग अलग है। देखिए ये हमारा क्या है, इसका नाम है ब्लोअर फैन। ठीक है, जो अंदर हिस्सा लगा होगा उसमें होगा ब्लोअर फैन, आपका एवोपोरेटर जो कि फिंस टाइप एवोपोरेटर लगा होता है। फिंस टाइप एवोपोरेटर क्यों बोलते हैं, जिसमें ये पत्ती लगी होती है ना, जो देख रहे हैं आप लोग, ये देख रहे हैं, ये पत्ती देख रहे हैं ये। ठीक है, ये टीने की पत्ती है। ठीक है, इसी टीने के पत्ती पे पूरा ये कापर जो देखिए, इसके अंदर देखिए पाइप दिख रहा है, दिख रहा है पाइप दिख रहा है, जो कि ये देखिए ये यू आकार का एवोपोरेटर है। ठीक है, बना हुआ है। ठीक है, ये यू आकार का बना हुआ है, तो एवोपोरेटर है ये। तो ये इंडोर है और ये हमारा आउटडोर है। जैसे स्प्लिट एसी के दो भाग होते हैं, इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट। तो ये हमारा विंडो एसी का, इसमें विंडो एसी में दो पार्ट्स होते हैं अलग अलग, इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट। बट इसमें स्प्लिट एसी की अपेक्षा क्या है, इसका कंप्रेसर बगल ही में है, यानी इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट दोनों सेम असेंबल हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, ये आप देखिए, आधा हिस्सा हमारा घर के बाहर रहता है और आधा हिस्सा घर के अंदर रहता है। अब जिससे हमें काम लेना है वो कहाँ रखेंगे हम? घर के अंदर। इसको क्या कहाँ रखेंगे? बाहर। देखिए जो अंदर रखेंगे उसके बारे में जानिए, इसमें लगा होता है फिंस टाइप एवोपोरेटर जी सर। ठीक है, और ब्लोअर फैन लगा होता है। जब ब्लोअर फैन चल रहा है ना, तो इसकी पत्ती पे ध्यान दीजिए, पत्ती देखिए, पत्ती ऐसी है कि अंदर से हवा खींचने वाली है, दिख रहा है? जब ये ऐसे चलेगा तो अंदर से ये पूरा कॉइल दिख रहा है, ऑपरेटर कॉइल, ये पूरा इसमें जब गैस रहेगा, रनिंग करेगा, तो ये पूरा ठंडा होगा। और जब ये चलेगा तो अंदर के टेम्परेचर को खींच के यहाँ से बाहर फेंकेगा। देखिए ये बाहर फेंकने वाला रास्ता है। ठीक है, बगल से यहाँ पर स्विंग मोटर, हाँ ठीक है, और यहाँ स्विंग मोटर होगा, और नीचे क्या होगा आपके, ऑन ऑफ स्विच का होगा। ठीक है, या आपका सेलेक्टर स्विच से हाई लो मीडियम करने वाला होगा, या तो आपका पीसीबी होगा, तो रिमोट से आप हाई लो मीडियम कर सकते हैं और स्विंग मोटर को चालू कर सकते हैं। तो इसमें इसके अंदर क्या लगा होगा, एक तो आपका ये दो इसमें टेम्परेचर कंट्रोलर होंगे, एक एवोपोरेटर का, और दूसरा होगा इसमें रूम का टेम्परेचर। ठीक है, एक कॉइल जिससे हम बोल सकते हैं, एक कॉइल का सेंसर और दूसरा हमारा रूम सेंसर, दो सेंसर लगे होते हैं। कॉइल सेंसर मतलब जब इसके अंदर गैस होती है, इस कॉइल के अंदर गैस होती है ना, तो उसके टेम्परेचर को सेंस करने के लिए कॉइल सेंसर का उपयोग होता है। और जो बाहर हवा निकलती है, जो हवा निकलती है बनाकर टेम्परेचर भेजता है, उसका नाम है रूम सेंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? कोई दिक्कत? तो वो होता है रूम सेंसर और क्वाइल सेंसर। तो दोनों समझ में आया, रूम सेंसर क्वाइल सेंसर? यस सर। बाकी इसमें क्या लगा होगा, अंदर इसके ब्लोअर लगा होगा जी। अंदर हिस्सा ब्लोअर लगा होगा, पीसीबी लगी होती है, स्विंग मोटर लगा होता है, बस इतना हिस्सा होता है। कन्फर्म हुआ? ठीक है, अब आते हैं आउटडोर में। तो आउटडोर में सबसे पहले देखते हैं हम कि हमारा कंप्रेसर मेन महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला, यानी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिवाइस कौन है हमारा? कंप्रेसर। तो देखिए ये हमारा कंप्रेसर है। कंप्रेसर जब यहाँ से गैस निकलता है तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से निकलता है। ठीक है, तो अब देखिएगा कंप्रेसर कहाँ से गैस निकलता है और कहाँ जाता है, हम एक लाइन पकड़िएगा। देखिए ये वाली लाइन आपकी डिस्चार्ज लाइन है, क्योंकि लाइन मोटी दिख रही है। जब यहाँ से गैस निकलता है, ठीक है, तो ये यहाँ होते हुए सीधे कंडेंसर में पूरा घूम जाता है। ठीक है, घूमने के बाद पूरा घूमेगा, और जब घूमेगा तो ये पंखा चलेगा। अब पंखा देखिए ऐसा पंखा बनाया गया है कि बाहर से हवा खींचेगा, यानी बाहर लगा होता है तो बाहर की हवा खींचेगा। जब ये चलेगा तो देखिए हवा ऐसे, जब पंखा चलेगा तो हवा इस पे टकराएगा और इससे इसकी गर्मी को क्या करेगा, बाहर फेंकेगा। तो जाहिर सी बात है, जब गैस से गर्मी निकलेगी तो वहां ठंडी होगी, यानी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट वेपर को लो प्रेशर लो
वेपर लिक्विड में बदलने का काम हमारा कौन करता है? कंडेंसर। ठीक है, या ऐसे बोलेंगे कंडेंसर हमारा कंडेंसेशन की क्रिया करके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की गैस को लो प्रेशर लो टेम्परेचर में बदलने का काम करता है। यानी किसमें बदलता है? वेपर से लिक्विड में बदलने का काम हमारा कंडेंसर करता है। जब गैस लेटेंट हीट होती है तो किसके रूप में रहता है? हवा के रूप में रहता है, यानी वाष्प के रूप में रहता है। वही गैस जब ठंडा होती है तो हमारा किसके रूप में रहता है? लिक्विड के रूप में रहती है। ठीक है, तो जब इससे निकलेगा कंडेंस कंप्रेसर से गैस, यानी जब कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करेगा तो उसकी अवस्था हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लेटेंट हीट वेपर के रूप में रहेगा। ठीक है, तो ये आप आ जाएगा किसमें? कंडेंसर में। तो यही कंडेंसर क्या करेगा? गैस को घुमा घुमा के ठंडा करने का काम हमारा कौन सा करता है? कंडेंसर करता है। तब जाके हमारा जो अंदर वाला हिस्सा है, ऑपरेटर ये वाला हिस्सा है, जब इसमें का पंखा चलता है तो अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? पूरा ठंडा होता है। इसके कारण जो इससे हवा निकलेगा, जो इस ब्लोअर से हवा निकलने वाली एसी का, हम बोलते हैं कि एसी चल रही है, हमको बहुत ठंडा लग रहा है रूम में, ऐसा हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो कंप्रेसर कहाँ से निकलता है? तो ये डिस्चार्ज लाइन है। अब देखिए, ये काम होने के बाद जब कंप्रेसर इसमें जाता है एवपोरेटर में, ठीक है, अब एवपोरेटर से जो लाइन अंदर आती है वो कौन सी लाइन होती है? सक्शन लाइन। यानी आपका कंडेंसर में लाइन घुसी और कंडेंसर होते 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 हुए फिल्टर में गया, फिल्टर के बाद कैपिलरी ट्यूब में, और कैपिलरी ट्यूब के बाद कहाँ गया आपके? एवपोरेटर में गया। तो एवपोरेटर के बाद जो आता है तो वो होती है लाइन हमारी सक्शन लाइन, जो कि आपको सक्शन लाइन दिखाना चाहते हैं। देखिए देखिए, ये सक्शन लाइन दिख रहा है, ये नीचे नीचे आ रहा है ये लाइन। देखिए ये लाइन, ठीक है, ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन सक्शन लाइन की है, जो कि आपका इस प्रकार है। देखिए फिल्टर इंजन है, देखिए ये कैपिलरी ट्यूब है हमारी, तो कैपिलरी ट्यूब ये अंदर आया, उसके बाद ये होगा फिल्टर। ठीक है, फिल्टर क्या करेगा? गैस को छानेगा। ठीक है, तो अब छान के ये पूरा अंदर गया, देखिए ये अंदर हमारा जा रहा है पाइप। अब यही पाइप अंदर से पूरा चारों तरफ से घूम के फिर यही मोटी लाइन से, देखिए मोटी लाइन दिख रही है, मोटी लाइन, ये मोटी लाइन ही आपकी लाइन सक्शन लाइन की है, ये मोटी लाइन सक्शन लाइन की। फिर यही देखिए सीधे, ये देखिए कहाँ जा रहा है, देखिए ये सीधे कहाँ चला जा रहा है? कंप्रेसर में चला जा रहा है। ठीक है, यानी कौन सी लाइन हो गई? सक्शन लाइन। यानी हर रेफ्रिजरेशन साइकिल में सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन होता है और चार्जिंग लाइन, तो इसमें भी मिला हमें वो लाइन। ठीक है, और देखिए इसमें चार्जिंग लाइन जो होगा, देखिए ये पिंच है यहाँ पे, ये चार्जिंग लाइन है, ये चार्जिंग लाइन दिख रहा है, जो फ्रिज में देखे होंगे इसे, तो इसमें स्टिक वाल्व जोड़ के हम यहाँ से गैस चार्ज कर सकते हैं, जैसे फ्रिज में किए वैसे इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ आया स्टूडेंट? कोई दिक्कत? इकट्ठा हो जी। तो यानी विंडो एसी का मैकेनिकल भाग समझ में आया? यस सर। क्या क्या पार्ट्स लगते होते हैं, क्या क्या नहीं लगे होते हैं? यस सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। तो अभी हम क्या सीखे? मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में सीखे हैं, यानी विंडो एसी काम कैसे करता है, क्या क्या लगा होता है, इंडोर यूनिट और आउटडोर। कोई दिक्कत है? नहीं सर। कुछ पूछना है आपको? क्या पूछना है बताइए, क्या पूछना है? चार्जिंग लाइन इसमें कहाँ है? चार्जिंग लाइन आपको दिखाया तो है, यहाँ पे देखिए ये चार्जिंग लाइन है, वहाँ से स्टिक वाल्व लगा के गैस को चढ़ा दें। और बताओ किसी को कुछ पूछना है? यानी कंप्रेसर में तीन लाइन भी, तीन पॉइंट भी होते हैं कनेक्शन करने के, कॉमन, रन और स्टार्ट। ठीक है, देखिए ये हमारी कौन सी लाइन है? सक्शन वाली, और ये हमारी डिस्चार्ज लाइन। और देखिए सक्शन लाइन थोड़ी सी पतली है, सॉरी डिस्चार्ज लाइन थोड़ी सी पतली है और सक्शन लाइन मोटा है। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए ये लाइन पतली है और ये लाइन देखिए कितनी मोटी है, तो ये हमारा कौन सा होगा? सक्शन, और ये हमारा डिस्चार्ज लाइन। ठीक है, इसको एक्यूमुलेटर भी बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा कंप्रेसर है। कोई दिक्कत? नहीं सर। कंप्यूटर के बारे में प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत? नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एक बार फिर से कर दीजिए। आप बोलिए एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, तो एवन में प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत नहीं होता है? जो दूर से देख रहे हैं वो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? वो भी आए चैनल पे, वो भी आके सीख सकते हैं। ज्वाइन करें और सीखें यहाँ पे भी, बहुत ठीक है सब कुछ, और हॉस्टल भी सुविधा है सर। तो चलिए बहुत बहुत बढ़िया। तो देखा आप लोगों ने हम कितने अच्छी तरीके से विंडो एसी को मैकेनिकल डिवाइस को एक्सप्लेन किया, हर एक पार्ट्स के बारे में आपको छोटी छोटी हम जानकारी देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार हमारे तरफ से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर करिए, ताकि वो लोग आए हमारे यहाँ जो बेरोजगार हैं, जो घूम रहे हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो हम बताते हैं, अगर हमारे यहाँ आप आते हैं, पूरा कोर्स सीखते हैं, मात्र 3 महीने का प्रैक्टिकल कोर्स रहेगा। ये प्रैक्टिकल कोर्स पूरा आपके हर एक मशीन पर आधारित रहेगा, यानी हर मशीन का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो आप सीख के प्रैक्टिकल सीख के आप कहीं फील्ड वर्क कर सकते हैं, कहीं भी कंपनी जा सकते हैं, वोल्टास, एलजी, सैमसंग, गोदरेज, इन सब कंपनी में रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है, फ्रिज, वाशिंग मशीन, सीसीटीवी, आपका गीजर हो गया, ये सब आप बना सकते हैं, होम सर्विस जाके दे सकते हैं।
पहले तो जरूरत है हमको सीखने की। तो आप अगर सीखते हैं तो महीने का मैं गारंटी देता हूँ, महीने का 30 से 40 हज़ार कहीं गया नहीं है। आप क्या क्या सीखेंगे, पूरा वायरिंग सिखाएंगे, एसी फ्रिज इलेक्ट्रीशियन सीसीटीवी कैमरे, टोटल कोई काम बाकी नहीं रहेगा। तो दोस्तों स्टूडेंट क्या बोलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा दे।